नौकरी करते हो स्टूडेंट हो हाउस वाइफ हो जो भी आप कर, कर रहे हो जरूरत मिलती है पैसा मिलता है नाम मिलता है बिजनेस आगे बढ़ता है आपका और क्या चाहिए आपको मुझे तो कख नहीं आता था 997 में बताना मत ओए कैंसिल कर देना इस बात को आई एम आल्सो हैप्पी इन मैरिज माय वाइफ इज हैप्पी इन अ मैरिज दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी लेजेंड्स ऑफ नेशंस के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है आप जानते हैं अनुराग अग्रवाल सर अग्रवाल सर आप सबसे पहले तो आपका thank बहुत थैंक यू स्वागत है थैंक यू वेरी मच आज thank बहुत you. सारी बातें हम अनुराग सर से जानेंगे उनके सक्सेस के राज और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या उनकी पर्सनैलिटी के राज जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं ना

Uh, ये वही है जो आपने किया है जिस ढंग से आपके मैंने सिक्स पैक्स देखे हैं अभी पिक्चर्स हमारी आ, आपको नहीं पता अमित के ही है इनके हैं अमित के जो कि इसमें कोर्ट के पीछे छुपे पड़े हैं मैंने इनकी पिक्चर्स अभी अभी स्टॉक को स्टार्ट होने से पहले देखी है और uh, जो आपके थे बिल्कुल वैसे ही यू गोइंग टू जिम वेंट टू जिम फॉर ट्वेंटी ईयर्स वो लॉकडाउन हो गया उसके बाद से मैंने अब फिफ्टी सिक्स का था उस एज पर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड गो बियोंड इमेजिनेशन सभी कर रहे हैं आजकल तो मैं देख लो अठारह साल के 19 साल के 20 साल के बच्चे YouTube, Facebook, Instagram पर क्या इंस्पायर कर रहे हो बच्चे आजकल

पर अपने बिजनेस को ले जा सके देखो आज मेरे ख्याल सब सब बड़ी मुश्किल, कैसे नहीं। ये सबसे बड़ी मुश्किल नहीं है सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम लोग किस ढंग से बिना बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुए बिजनेस के काम को कर... देखिए बिजनेस में दो तरह के काम होते हैं स्ट्रेटेजिक और एक होते हैं ऑपरेशनल हम लोग सुबह से शाम शाम से लेकर सुबह तक ऑपरेशन में फंसे रहते, रहते हैं अगर हम लोग पहले दिन से समझ जाए कि हमने ऑपरेशन में नहीं फंसना तो आप सेल्स और मार्केटिंग देखोगे स्ट्रेटजीज देखोगे कि क्या बेचना है किस तरह का माल बनाना है कहां बेचना है कितने भाव में बेचना है किसको बेचना है, कौन सी मार्केट में बेचना है किसको एड्रेस करना है छोटे बच्चे को बड़े को मेल को फीमेल को किसको करना है अगर हमारा काम सिर्फ स्ट्रेटजिकल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग छोटे छोटे छोड़ काम खुद करने लग जाएंगे जी। तो हमको कौन कहेगा ठीक बात तो तरीके ऐसे हैं जिससे कि हम लोग ऑपरेशन में न फंसे ऑपरेशन हो, स्ट्रेटिक्स होती है जो कि आप एक बार लगाते हो जी और ऑपरेशन क्या बेचना है क्या नहीं बेचनाशन होते सुबह से शाम तक होते हैं तुम्हारे काम ऑपरेशनल होते हैं जी तो अगर किसी को भी और वो जो हमारे कैमरे के पीछे बैठी हुई हमारी टीम है आपकी टीम जो है, अगर उनको है? अपने आपको पहले से ही स्ट्रेटिक चीजें बनानी चीज बनानी है और अगर उसका ध्यान उस तरफ होगा तो जब वो टीम बिल्ड करेगा उसी हिसाब से करेगा कि ए टू बी बी टू सी क्या करना है किसने करना है कैसे करना है और कब करना है

कहना बहुत आसान है लेकिन हर इंसान के लिए इसको करना जो एक, है एक एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर होता है जो सिंगल यूनिट चला रहा है आ, वन मैन शो चला रहा है आ, वो कहता है कि ठीक है मैं सिस्टम तो डेवलप करना चाहता हूं पर सिस्टम डेवलप करने के लिए मेरे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है इसीलिए मेरा पूरा फोकस जो है वो ऑपरेशन को लेकर है और ऑपरेशन में वो करते 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 इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो फाइनेंस आने के बाद भी उस प्रॉफिट को निकाल निकाल के घर ले जाता है एक बिजनेस ओनर की ये भी प्रॉब्लम होती है कि बिजनेस से जो अर्निंग आती है ना वो कहीं ना कहीं उसको सेपरेट कर लेता है री इन्वेस्ट नहीं करता जिसकी वजह से वो अपने ऑपरेशन को ऑटोमाइट ऑटो पायलट मोड पर नहीं लेके जा पाता तो क्या सजेशन आप देना चाहेंगे उन स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर को जो आप चाहते तो हैं करना तो उनको करने के लिए पहला स्टेप क्या करना है फिनेंसिस तो बल्कि ऑपरेशन में निकलने से बच जाते हैं आपके जी आपके पास अगर टीम है पचास की और अगर आपने उसको ऑपरेशन से अपने आपको बाहर निकाल लिया तो बहुत आराम से वही पचास लोगों का काम आपके बीस लोग कर लेंगे अच्छा आपके पैसे बचते हैं ऑटोमेशन से ग्रेट ऑटो ऑटोमेशन थोड़ा अलग है ऑटो hmm. ऑटो पायलट करना पालेट अलग है।, है मैं ऑटोमेशन में नहीं हूं मैं ऑटो पायलट में हूं ऑटोमेशन होता है कि अपने सारे प्रोसेस को ऑटोमेटिकली करना दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटो पायलट ऑटो पायलट होता है जो जो ओनर है जो एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेसमैन है थोड़ा सा फर्क है इन सब के अंदर लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो बिना ऑफिस जाए हुए बहुत आराम से काम को दे दे फैक्ट्री जाने की जरूरत नहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं उसका काम है ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमना और कोलैबोरेट करना लोगों से जाके मिलना और बिजनेस को बढ़ाना इसमें अगर वो खुद जाएगा तो उसके जाने पर काम होगा वो उठेगा तो उसके उठने पर काम नहीं होगा तो वो है क्या वो है अपने बिजनेस का बंधुआ मजदूर तो उसके उसको स्टाफ ज्यादा रखना पड़ेगा लेकिन आप क्यों नहीं समझते क्या करना है कैसे करना है किसने करना है कब करना है

हर दस के ऊपर आप एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर मैनेजर रखते हो उसको मैनेजर को एक डेढ़ लाख रुपए देते हो और अगर वो चले जाता आपकी हालत हो जाती है खराब लेकिन अगर आप इस ढंग से काम करोगे ऑटो पैलेट अपने को कर लोगे तो आपको मैनेजर तक की इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि जिसको आप डेढ़ लाख रुपए दो बहुत आराम से तीस चालीस हजार रुपए का इंसान या पच्चीस हजार का भी इंसान उस पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर लेता है Great. तो आपका कोलैबोरेट कर करो और बिजनेस को लेकर आओ दूसरा जो प्रश्न है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पर ले जाना चाहते हैं लेकिन कई बार ऐसी समस्या उनके सामने आती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए या उनसे कैसे बचा जाए और अगर आ गए हैं तो उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए उसको ठीक उससे बाहर कैसे निकला जाए ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है कमेंट बॉक्स में भी लोग कई बार ये फाइनेंशियल क्राइसिस आते क्यों है क्योंकि आप लोगों को बिजनेस में से अपने क्लाइंट से उधारी निकलवानी नहीं आती जी और फिर मैंने आप बताया आप लोग ऑटो पायलट नहीं होते हो जिसके कारण से सारा दिन सुबह से शाम तक आप हो क्या आप हो सी एफ ओ आप हो अपनी कंपनी के सीईओ जी सीईओ कौन होता है चीफ इमरजेंसी ऑफिसर जो सारे के सारे इमरजेंसी खुद कर रहा हो सी एफ ओ आप चीफ फायर फाइटिंग ऑफिसर सारा का सारा फायर फाइटिंग खुद कर रहे हो जब आप सारे काम आपकी आपकी वो क्या है वैल्यू क्या है आप एक ऑन्टरप्रनोर हो आप हो दस करोड़ रुपए के आप काम क्या कर रहे हो दस हजार रुपए वाले इंसान का 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 तो आप इंप्लॉय का, का काम कर रहे हो That's तो आपकी लीडरशिप तो चाहिए ना सर कोई ना कोई सेकंड लीडरशिप होगी जो उसके व्यापार और उसके काम को संभालेगा उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करेगा और सिस्टम इंप्लीमेंट करने के बाद सेल्स के वॉल्यूम को आगे ले जाकर बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाएगा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है ध्यान से समझिएगा एक एक स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझने के बाद अपने नोट्स बनाए नोट्स बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें और धीरे 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 करके चार से छह महीने में उन चीजों को इंप्लीमेंट कर दें केवल सुनने से कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा अगर देख करके स्विमिंग आती दोस्त थे उनको स्विमिंग का बड़ा शौक था तो पहुंच गया लव मेरे स्विमिंग पूल पर बड़ी लोगों को स्विमिंग करते हुए देखा उन्होंने तीन महीने तक उसके बाद जाके जा 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 किताबें पढ़ी उसके बाद यूट्यूब पे जाके सारे, सारे के सारे कंपटीशन देखे स्विमिंग के ऊपर एक डेढ़ साल तक खूब जबरदस्त उन्होंने मेहनत करी क्योंकि उनको स्विमिंग सीखनी थी बहुत डेडिकेट था मेरा ये <laughs> दोस्त डेढ़ साल के बाद जाके उसने मार्केट से स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा पहुंच गया लव स्विमिंग पूल वो जो वहां पर तीन महीने तक उन्होंने देखा था फॉरिनर्स को इंडियंस को स्विमिंग करते हुए वो सबको जो देखा था पढ़ा था और जो सुना था देखा था यूट्यूब पर वो सबको एक बार रिकॉल किया आपसे क्वेश्चन है मुझे बताइए क्या वो बाहर आएंगे आए? <laughs> <laughs> तो देखो जी कहने से कुछ नहीं होगा करने से कुछ नहीं जी. होगा सुनने से कुछ नहीं होगा पढ़ने से कुछ नहीं होगा करना तो करने से होगा स्विमिंग आप मानते हैं कि स्विमिंग के अलावा आपका मॉर्निंग वॉक जो है वो सेहत के लिए अच्छी है बिल्कुल आप मानते हैं हमारे जो कैमरा के पीछे जो टीम बैठी हुई है सबके सब मानते हैं कि स्विमिंग मॉर्निंग वॉक जो है सेहत के लिए अच्छी है अब सही सी बता आप लोग और म, अमित आप भी आप तो खैर गए आप उसे कौन कौन मॉर्निंग वॉक पर आज गया था कोई नहीं गया सुबह दस बजे के उठ इसका <laughs> मतलब नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज नोइंग डूइंग होती डूइंग Nobody would get married. <laughs> चलो, हम लोग तो जी रहे हैं। हम लोग तो हाँ, लो बात करे थे कि किस प्रकार से हम लोग अपने इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे हमारा पास पैसा कम लगेगा और ये पॉसिबल है तो मैंने आपको बताया कि क्या करेगा कौन करेगा कैसे करेगा और कब करेगा, कब करेगा। ठीक है ये एक हो गया उसके बाद प्रोसेस के अंदर ए टू बी आता है बी टू सी आता है मान लीजिए बी के अंदर कौन करेगा गायब है ये बी था अब सी वाले को पता है कि मुझे कब करेगा कि रिपोर्ट जो है अपने एमआईएस के अंदर अपने डाटा वाले को देनी है अब अगर जो बी है वो गायब होगा तो सी वाला बी को फोन करेगा अगर आप प्रोसेस नहीं लगाते तो वो डायरेक्ट सी वाला तो आपको बताएगा नहीं ना आपको बताएगा ना कुछ उसको क्या फर्क पड़ रहा है बी वाला गायब सारा 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 का का वो वो जो प्रोसेस था सारा सारा गया आपकी आपकी जैसे किचन है आपका फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर वो बीच का एक बंदा गायब गायब तो गायब सारा का सारा प्रोजेक्ट रुक गया लेकिन अगर उसने ये प्रोसेस लगा दिया बीच का एक बंदा भी गायब होता है तो आगे वाला बंदा उसको फोन करके उसको लेके आएगा या उसका कोई सब लेके आएगा बिल्कुल इससे क्या होगा वो प्रोसेस अपने आप चलेगा आपकी बिना इन्वॉल्वमेंट जी आपकी इन्वॉल्वमेंट खत्म आप दस करोड़ के थे आप दस टोड़ वाला काम कर रहे हो बिल्कुल इससे क्या होगा आपके खर्चे बचेंगे तो आपका क्वेश्चन फिर दोबारा से वापस आते हैं कि लोगों के पास फिलेंसिस की कमी है तो लोगों के पास फिलेंसिस की कमी इसीलिए है क्योंकि अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे अपना अकल नहीं लगा रहे अगर अकल लगा लेंगे तो बहुत आराम से कम समय ही सब कुछ है यार एक ट्रेन की स्पीड क्या बोगीज पर डिपेंड करती है कंपार्टमेंट पे डिपेंड करती है एक, एक ट्रेन की स्पीड हमेशा इंजन, इंजन पे डिपेंड करती, करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपके बिजनेस का इंजन कौन है आप ही तो हैं आप दस करोड़ के हैं लेकिन अगर आप दस हजार का, का काम करेंगे तो गलती आप तो नुकसान करो ना बिल्कुल नौ करोड़ निन्यानवे हजार नब्बे हजार का अपना नुकसान करो हर महीने का जी मत करो और यही होता है एक जो बिजनेस ओनर होता है ना कई बार वो ये समझ ही नहीं पाता है कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम को करने की सब्सटीट्यूट वैल्यू कितनी की है अगर वो इस बात को आइडेंटिफाई कर ले तो आसानी से अपने ऐसे क्लोन

डायरेक्टर्स वगैरह हो गए ये काम करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं लेकिन इनके सीक्रेट्स मार्केट में लीक नहीं होते इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत जैसे देश में नाइनटी एट परसेंट ऑफ द बिजनेस कोचेज आर नॉट डूइंग प्रैक्टिकल बिजनेस इन देयर लाइफ वो प्रैक्टिकल बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कई बार जो गाइडलाइंस वो देते भी है ना वो गाइडलाइंस राइट तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती क्योंकि ग्राउंड लेवल की रियलिटी इनको पता नहीं होती आपने तो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाई है तो आपको जो एक बात पता है कि लेबर मैनेजमेंट कैसे करना है प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करना है सेल्स कैसे करनी है मार्केटिंग कैसे करनी है और इन सबको संभालना कैसे है और इन सबको संभालने के पीछे जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है ना जो कई बार बिजनेस ओनर के अंदर अभाव जिस चीज का पाया जाता है वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का मतलब अगर ये नहीं है कि खाली आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं अगर आप अपनी टीम से भी बात कर रहे हैं वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का ही पार्ट है या कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल किसी भी बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाने के लिए और आप एक पब्लिक स्पीकर हैं और स्पेशली आपके जो कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप्स पब्लिक स्पीकिंग को लेकर पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर और बिजनेस ऑटो पायलट को लेकर होती है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना बड़ा रोल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल का बिजनेस में अमित जी वो ना आपने जो तो क्वेश्चन पूछा है ना थोड़ा शायद मैंने गलत क्वेश्चन मैं आपको ना बाद में फोन करूंगा ग्रेट प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सोचिए अगर इस ढंग की हमारी कॉम्युनिकेशन हो जी कि हम लोग इंग्लिश से दूर अगला हम हिंदी नहीं बोल पा अपनी मातृभाषा में ही नहीं बोल रहे मातृभाषा में भी बोल पा रहे हैं और अगर बोल पा रहे हैं तो हालत खराब है हवाइया उड़ रही हैं हमारी पेट में बटरफ्लाइज हैं और ये सोचे कम है यहां से हो तो कम देख लो यहाँ से अगर ये हालत होगी तो आप लोग के पास अगर एम जी बैंक डिग्री है म्यूचुअल फंड्स है शेयर है करोड़ों अरबों रुपए क्या फायदा क्या है ठीक है आप हो क्या क्या कर क्या रहे हो जिंदगी जी रहे हो जिंदगी को खत्म कर रहे हो जिंदगी को जीना है तो ऐसे बोलो ना यार ऐसे करो जिससे कि जिंदगी हर मोमेंट आप इंजॉय कर सको देखिए सर आप तो प्रोफेशनल है आपका तो ये प्रोफेशन भी है आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं मैं एक आम आदमी के लिए बता पूछना चाह रहा हूँ कि भाई क्या वो ऐसी बेसिक टिप्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे कि उसको ये प्रॉब्लम ना आए या उसकी कैसे प्रैक्टिस करे अमित जिस कोर्स को मैं ऑफर करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग का अपने स्टूडेंट्स को इसी कोर्स को 26-27 साल पहले नाइनटीन में मैंने खुद किया था अपने गुरु से ऑप्शन okay. कोर्स से हुँ? देखो कॉन्फ्रेंस को बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपको क्या आप जानते हो <coughs> क्या आप जानते हो एक बिजनेसमैन जब भी ऑर्डर देता है किसी को भी

पर किसी ने तारीफ कर दी ऊपर सर्टिफिकेट मिल गया ऊपर किसी ने तो ने देख घुमा ता ता करके तारीफ कर दी तो नीचे हो जाता मुझे लगता कोई ना कोई कमी रह गई <laughs> तो पूरे दिन के अंदर कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल फ्लक्चुएट हो रहा होता है जे. तो मैं तो यही कहूंगा जो मैंने कोर्स किया था छब्बीस साल पहले अपने गुरु के साथ में तो बहुत सारी बातों का मैंने ख्याल रखा मेरे जो गुरु बताते गए बताते गए बताते गए उन्होंने कहा सबसे पहले तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि तु, तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करे कंडेम करे कंप्लेन तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारे करे ऐसा कोई काम ही मत करो जब जब तुम्हारी कंप्लेंट होगी कंडेम कोई करेगा क्रिटिसाइज करेगा तुम्हारी निंदा करेगा तुम्हें लगेगा क्या फर्क पड़ता है की फर्क पड़ता नहीं बड़ा फर्क पड़ता है इससे बहुत फर्क पड़ता है तुम्हें

कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश को लर्न करना मैंने मैंने कब लर्न किया अभी तो कुछ साल पहले जी एक बहुत अच्छी टेक्निक बना दी आई गो यू गो दे गो गो ही शी वी गोइंग 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 यू आर आर इसके स्टेप्स है करते, करते 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 कुछ एक महीने में इंग्लिश आ जाती है क्या मुश्किल क्या है तो आपको अगर कॉन्फिडेंट बनना है एक तो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि किसी भी हाथ में तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करने में कंप्लेन कम, ना करे कभी भी किसी भी हाथ में तुमने बहसबाजी में नहीं पड़ना ठीक है वाइफ को छोड़कर <laughs> <laughs> आपके बीच बीच में एक बात रोक रहा हूँ इंग्लिश की बात से एक बात याद आ गई इंग्लिश ने मैं एक मतलब एक हरियाणा के एक बंदे की इंग्लिश सुन रहा था अच्छा तो बड़ा एक्सपर्ट था वो तो बाद में उसने मन कहा यार आपने इंग्लिश बोली आपको पता है आपने क्या बोला कह रहा देख भाई अंग्रेजी दो तरह की होती है हा? एक होते धमाकेदार और एक होते ठाकेदार धमाकेदार <laughs> बोल पाओ पर ठाकेदार तो बोल लेते ना आपको मजा आया मैं बहुत मजा आया कर बस भाई साहब मेरे पैसे वसूल हो कपिल शर्मा कपिल शर्मा कपिल ठाकेदार इंग्लिश भी होती है ऐसी जरूरत नहीं है हरियाणा का एक बंदा पूछता है कि सर मैं तो हरियाणवी बोलता हूँ तो भाई मैं तो कहीं जाके अपने आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा ऐसी कर बिलोंग तो करता हूँ और मैं तो जाके रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा तो हरियाणा में ना हरियाणा में जाके बोल सकता है वो बहुत बड़ा राज्य है कहते सर ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई है तो हर व्यक्ति हर राज्य में ना चले पर कम से कम अपने एक राज्य में जरूर चलेगा इसीलिए कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखें अपने आप को बोलो यार जहां पर भी जाते हो ना मैं आपको बताता हूं जहां भी जाते हो ना अपने आप को बोलो ये जितने भी लोग सामने बैठे हैं इस पूरे हॉल के अंदर डेढ़ इस पूरे हॉल में अगर यहां पर हजार आदमी है या पांच सौ है दो हजार है पांच हजार है इस पूरे हॉल में डेड अकल एक अकल मेरे पास और बाकी आदि सब पास। पास। <laughs> उस समय और कुछ नहीं तो ये बात जो अपने हाँ। आपको दिमाग में बता कॉन्फिडेंस होता कहां पर है

बहुत बढ़िया तरीके से जो फसल है बढ़िया हो जाएगी तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को इंजीनियर्स को साइंटिस्ट को सबको बुलाया हुआ अच्छा जी तो वहाँ उस जाट को भी बुला लिया अच्छा जी। कि भाई आप बढ़िया खेती करते हो आप आओ हमारे यहाँ पर तो वहाँ गया और उसने भाई साहब धमाकेदार भाषण दिया और सारे लोग सरप्राइज हो गए कि यार इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हुए हैं जिन्होंने केमिकल बनाया फर्टिलाइजर्स वो सब फेल हो गए बोलने में तो उसने कहा भाई तेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कैसे करा भाई साहब मैंने वहां कौन सा एबीसीडी सुनानी थी मेरे को तो यह पता था फसल के बारे में पूछेंगे और मेरे तो बढ़िया कोई नहीं बता सकता मैं तो उगा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी ये सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा आप जिस चीज में एक्सपर्ट है ना उस पर अपनी कमांड रखें भिल्कुल, और भिल्कुल, उसी भिल्कुल, तरीके से डिलीवर करें जैसे आप अपना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं बिल्कुल तो पहली बात क्रिटिसाइज मत करो किसी बहसबाजी मत करो कोई आर्ग्यूमेंट मत रखो नंबर टू दोनों भाषाओं को सीखना है नंबर अपने आप कहते हो कि मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता ठीक मैं, मैं नहीं हूं नॉट गुड अपने आपको सुबह से दोपहर तक दोपहर से शाम तक एक ही बात बोलो आएम दैंपियन आम चैंपियन देख लूंगा यार क्या मुश्किल है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात मैं पूछने वाला हूँ अब इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट कैसे किया जाए बिजनेस के ऑटो पायलट मोड बिजनेस के सिस्टम डेवलपमेंट को और साथ में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक्सपेंशन किया जाए क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार इस बात में चूक जाते हैं जब वो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं तो हायर क्लाइंट से मिलते हैं जब क्लाइंट से मिलते हैं तो कई बार वो प्रेजेंटेशन दे नहीं पाते हैं तो यह दोनों स्किल्स को कैसे कोरिलेट करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल ना केवल अपनी टीम के लिए बल्कि सेल्स के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए और ग्रोथ के लिए भी कैसे किया जाए अच्छा ये, ये क्वेश्चन हो या जो मैं कर रहा हूं हम लोग जो कर रहे हैं वही हमारी ऑडियंस को करना है बिल्कुल तो वही <coughs> मैं पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या आप क्या, क्या कर रहे हो आप अपना <coughs> बिजनेस रन कर रहे हो ठीक है आपका सारा स्टेनलेस स्टील का काम है सारे के सारे आप किचन और सब कुछ आप सब आप से बनाते हो जो मैंने आपके शुरू में देखा भी है ठीक है और आप करके आ रहे हो इस इसमें यूट्यूब इंस्टाग्राम पर <laughs> आप लोग को ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो वो इन लोगों ने करना है आपके धंधे हैं नौकरी करते हो स्टूडेंट हो हाउस वाइफ हो जो भी आप काम कर, कर रहे हो जो भी कर रहे हो अगर आप बिजनेस चला रहे हो इसी ढंग से YouTube, Facebook, Instagram पे आ जाओ एक वीडियो हिट नहीं होगी दो नहीं होगी पांच नहीं होगी दस नहीं होगी बीस नहीं होंगी इक्कीसवीं हो जाएगी बिल्कुल और वही आपको नेक्स्ट लेवल लेकर बिल्कुल एफर्ट तो करना पड़ेगा हम लोग हाँ। तो बस ये दोनों काम कर सकते हो आप बिजनेस या जॉब या प्रोफेशन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ कौन होते डॉक्टर सब, सब हो, हो आप जो भी हो यूट्यूब पे आओ ना यार यूट्यूब पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा अपने के दिखाओ, दिखाओ जो स्किल आपके पास है दिखाओ जब स्किल दिखाओगे धंधे को दिखाओगे आप <इस> जैसे जवान <laughs> लोग हैं जाओ ना यार किस बात के लिए तुम लोग बैठे हो अपने घर के अंदर बाहर निकलो दिखाओ आपके पास क्या आता है जो बिजनेस करते हो वो दिखा दो डॉक्टर हो वो दिखाओ अगर डॉक्टर नहीं भी हो जो जो कुछ ना कुछ तो होगा जो भी आपके अंदर उस उस पन 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 ना ना है उस हर इंसान के कुछ ना कुछ काबिलियत है जाके हाँ, देखो सब लोग दिखा रहे छोटे ना तो जाके देख लेना बहुत सारी विडियोज पड़ी हुई है हम लोगों को बहुत पैसा मिलता है बहुत कुछ मिलता है शहर मिलती है पैसा मिलता है नाम मिलता है बिजनेस आगे बढ़ता है आपका और क्या चाहिए आपको क्या चाहते हो आप लोग

नहीं, आता, क्यों नहीं, आता? क्योंकि नहीं बोली प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस नहीं करी तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करने का आपको टाइम मिलता है जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो उसी लैंग्वेज का अपना चल बना दो खत्म वही लैंग्वेज आपके ऊपर चली जाएगी ये थोड़ी कि हम लोगों ने पास्ट लाइफ में कभी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं किया, किया लेकिन कन्वर्स नहीं किया तो जितना आपने लर्न किया वो अनलर्न हो जाता है लर्न कर तो फिर अनलर्न आपके पास कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल होना चाहिए आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए आपके वर्क सर्कल में ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप कन्वर्स करो ताकि आपके अंदर जो आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो बड़ा जबरदस्त बोलोगे इंग्लिश भी आ जाएगी हिंदी भी आ जाएगी से भी कुछ आएगा ना जिम जाते हो आप लोग जिम जिम गए हो ना अगर जिम आप एक साल तक नहीं जाओगे बैक रोज का ब्रेकफास्ट आपको करना पड़ता है ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन किया और आप कहें दस साल तक अब ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं है तो इसी ढंग से आपको अपनी लैंग्वेज को रोज कन्वर्स करना पड़ेगा आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी या फिर नहीं तो YouTube, Facebook, Instagram पे आ जाओ मैं एक बार अगर लाइव होता हूं तो बहुत आराम से चलो मेरे पास चार मिलियन सब्सक्राइबर्स है इस आंसर से हजारों लोग जुड़ जाते हैं आप अगर स्टार्ट भी करोगे ना यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर सब पर लाइव का फंक्शन है बहुत आराम से ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको कम से कम पचास सौ दो सौ बंदे देते ही देते हैं लोग को एड्रेस करो आपके साथ आज तो पे भी पार पार दोस्त बने हुए हैं नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट नया भी है। हो अगर आपने अपना चैनल नया भी किया है अगर आप लाइव होते हो दस पंद्रह बीस तीस जने तो हर इंसान को यूट्यूब ऐसी जेब में से निकाल के रही दे रही दे रही दे है। देता है कहीं नहीं मिल सकती मेरा कोर्स में कितने लोग होते हैं पच्चीस या तीस या चालीस लोग मैं भी आपको इससे ज्यादा ऑडियंस नहीं दे सकता लेकिन यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम आपको इतना बड़ा ऑडियंस देता है फ्री रियल लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें साथ साथ आज का ये बीस पच्चीस मिनट का जो इंटरव्यू है शायद आपको सब कुछ वो नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हैं उसके लिए जरूरत है सही लर्निंग की और लर्निंग के लिए आप अनुराग सर का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ऑफलाइन बैचेज और ऑनलाइन बैचेज कब कहां होते हैं उसकी जानकारी के लिए सर के चैनल पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, लिंक पर इंस्टाग्राम ट्विटर पर और उनको जरूर ज्वाइन करें ये अच्छी मार्केटिंग मेरी। <laughs> <laughs> मैं सर होनी भी चाहिए क्योंकि देखिए राइट इंफॉर्मेशन लोगों को मिल नहीं पा रही है ये ना सरकार के योजनाओं की तरह हो रहा है कि सरकार योजना देना चाहती है

और अमित अब इसके बाद हमारे थैंक यू सर थैंक यू तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में अनुराग अग्रवाल सर थैंक यू वेरी मच आपके सुनहरे भविष्य की हम लोग कामना करते हैं जय हिंद जय भारत